is South Asian Media Group, Y Media. डिफेंस सेक्रेटरी ने मिडिल ईस्ट में एक एडवांस्ड मिसाइल सबमरीन को डिप्लॉय करने का ऑर्डर दिया है। ये डिसीजन रीजन में बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी के कारण लिया गया है, जिसमें यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को और भी मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का डिप्लॉयमेंट भी एक्सपीडिएट किया गया है, जिससे यूएस नेवी को मिडिल ईस्ट में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा और वो इस सेंसिटिव सिचुएशन में अपने अलायंस को सपोर्ट कर सकेंगे। ये डिप्लॉयमेंट यूएस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, जिसमें वो अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को यूज करके रीजन में स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्टेप इसराइल और हमस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी लाया गया है, जहां यूएस ने क्लियर कर दिया है कि वो अपने अलायंस की सिक्योरिटी को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यूएसएस अब्राहम लिंकन का रैपिड डिप्लॉयमेंट इस बात का प्रूफ है कि यूएस अपने मिलिट्री एसेट्स को क्रिटिकल सिचुएशंस में क्विकली मोबिलाइज करने में सक्षम है। इस स्टेप के बाद से मिडिल ईस्ट में टेंशंस और भी बढ़ सकती हैं, लेकिन यूएस ने ये जरूरी समझा कि अपने मिलिट्री एसेट्स को रीजन में टेनेंट करके एक डेटरेंस एस्टैब्लिश किया जाए। ये डिप्लॉयमेंट ना सिर्फ यूएस की कमिटमेंट को दिखाता है, बल्कि इसराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट में पीस और स्टेबिलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश भी है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि आने वाले दिनों में ये सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। साउथ एशियन मीडिया ग्रुप, वाई मीडिया।